वो उसका कुलीक है वो इसके साथ शरारतें करता है वो ऑफ कैमरा करता है ये ऑन कैमरा करता है हम लोग आपस में भाई ऐसे ही होता है प्यार मोहब्बत ही होती है कोई ऐसा कोई आप लोगों को लगता है कि मैं कोई इंसल्ट कर रहा हूँ हालांकि ऐसी बात नहीं है मेरे भाई भाई दूसरी बात ये रंगीला साहब सीनियर्स में सीनियर है और जूनियर्स में जूनियर है वो वेग लाल हुए वे थे जाएंगे और वेग ले तो फिर वो मुझसे भी छोटे हैं नहीं ये है, जो खाम खा का एतराज है ना आप फला की रिस्पेक्ट नहीं करते फलां को ये करते हैं तो हम अपनी फैमिली टीम बनाते ही आ, ऐसे हैं ऐसे मैं जैसे... बार बार कहता हूं कि इसका इजहार रंगीला करे ना एक दफा हाँ। एक दफा रंगीला करे ऑफ कैमरा जाके मेरे ऑफिस में कर दे तो कैफी सवाल ही पैदा नहीं होता और आप नहीं? ये बताइए कि जब रंगीला साहब कैफी को असल में डंडा मारते हैं ओहो डंडा ही नहीं मारते उसके साथ वो वो मजाक करते हैं

इस देखे, जूती एक दफा तो <laughs> मुझे वाला वो भी बनाया था पे सोना तोलन वाला करना होंगे जिसपे मैंने कहा था कि आपसे किसी ने पूछा नहीं बार बार कह रही किधर फस गई एमजी चुड़ैल चिमड़ दी नहीं छेद छूड़ के निकल जाए <laughs> सर डिसीवर्स फिल्म पर आपकी क्या राय है मैंने नहीं देखी सर इंडियन क्रिकेट टीम का पहला कप्तान लाला अमरनाथ नहीं सी के नायडू था वो प्री पार्टीशन की बात कर रहे होंगे सब कॉन्टिनेंट जब डिवाइड हुआ तो इंडियन टीम जो बनी थी उसके कप्तान लाला अमरनाथ थे टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज और नाइडो जो है उससे पहले का कैरेक्टर दैट्स वाई नेवर हर्ड ऑफ एम लाला अमरनाथ ने तो पाकिस्तान को सीरीज हराई थी ना फिफ्टीज में वक्त डाल दिया था सर ये शो पॉलिटिकल पोलिटिकल शो काम और पीटीआई का शो ज्यादा लगना शुरू हो गया है पॉलिटिकल है ना तो किसी एक तरफ मेरा स्लॉन्ट किसी एक तरफ दूसरे का टेल्ट आपकी हमदर्दियाँ किसी एक के साथ हो सकती हैं मेरी किसी एक के साथ आप देखती नहीं कि शकील साहब इस शो के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी वो बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़े हैं 180 डिग्री एफ एस जे इसी टीम का हिस्सा है वो बिल्कुल ही दूसरी साइड पे खड़े हैं वो इमरान खान के घर रहते हैं वो ना वो तो बड़ी शिद्दत के साथ लिव्स इन यू नो दैट जी और मैं कदरे दरमियान में हूँ दरमियान से मुराद है मैं इमरान के साथ मोहब्बत में अकीदत में उसका फॉलोअर हूँ उसके साथ अटैचड हूँ लेकिन उसे कोई ऐसी सर्विसेज नहीं दे पा रहा आई विश आई कोर्ट मेरे पास टाइम होता मैं ये इस झंझट में ना होता तो मैं जरूर करता हमारे नौजवानों में कैफी डाई हार्ड पी है ये पी टी आई है वो पीटीआई है सर गबोल न्यूट्रल है पीपल्स पार्टी की तरफ उसका मिलान ज्यादा है उसके साथ मोहब्बत है उनके साथ बड़ी यारी दोस्ती है उसका इलाका है तो इस पर तो कतन कोई वो नहीं है ये भाईजान भी पीपल्स पार्टी देखें कितने दिलचस्प बात है कि हमारे रिसर्चर सबसे पुराने रिसर्चर हैं एंड ही इज पीपल्स पार्टी ही कम्स फ्रॉम सियालकोट और सर अगर यही मंसूर साहब होते तो मंसूर साहब मरहूम अगर होते तो, नून लीग। तो वो नून लीग के टिकट होल्डर होते इस वो इतने अकीदा नवाज लीगी थे सर साबिर शाकिर की डमी को भी शो का हिस्सा बनाइए साबिर शाकर की डमी अगर बनती तो हम जरूर बना लेते हैं तो सर हो सकता वो माइंड कर दें इमरान रियाज खान ने माइंड किया था तो हमने फिर खत्म कर दिया अभी चंद दिन पहले मुझसे पूछे बगैर डिजिटल वालों ने पुराना एक कंधे मुकर के तौर पे फिर से लगा दी थी मेरी नज़र पड़ी मैंने फ़ौरन उतरवाई भाई एक बंदा जब माइंड करता है तो ये शेरी रहमान नेतराज़ किया तो मैंने उसके बाद उठा के वो फेंकी डमी नो प्रॉब्लम

इसका ज भी एफएसजे को एफ एस को होना चाहिए ये क्यों <laughs> लोग प्रॉम्प्ट करना शुरू हो जाते हैं कि बब्बू को ये नहीं कहना चाहिए कैफी को फ्लाह नहीं कहना चाहिए और उसको ये नहीं पहनना चाहिए उसको ये नहीं अब एफएसजे चलिए सर लोग अपनी राय देते हैं छोड़ नहीं राय को चज दी देना अच्छी राय दे हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी राय बहुत से लोग बड़ी उम्दा राय भी देते हैं क्रिटिकल बात भी करते हैं रगड़ा भी लगाते हैं और बड़ा अच्छा मशवरा भी दे देते दे हैं और मशवरा सेंसिबल बात लगती है बहुत सारी चीजें हमने की हैं और बहुत सारे मामला में अपने आप को अडेप्ट किया है इन्हीं मशवरों की रोशनी में तनकीद की रोशनी में लेकिन ये जो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फरोयात है इसको ये नहीं करना चाहिए इसको वो कंफर्टेबल नहीं है उस कुर्सी में इधर <laughs> मुझे कहते हैं आफ्ताब साहब आज बड़े दुखी दुखी से लग रहे थे आज कोई दिल में गहरी चोट लगी थी मेरा ख्याल है हमें साथ अपना लेके बैठना चाहिए है, इसकी ये सोच रहा था। सारकोजी का सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था ये एफ ने कहा था तो ये कोई इतना मैटर नहीं करता नहीं। वो रिपब्लिकन पार्टी का है फ्रांस का वो वजीर आजम था जिसने अगुस्टा नाइनटी बी में हमारे यहाँ बड़े साहब से चार पैसे लिए थे वरे साहब ने तो बहुत बड़ा खांचा मारा था ना सर शकील साहब की पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो भी हो ही इज अ ब्यूटीफुल एडिशन टू द शो सुपर डीसेंट नॉलेजेबल एंड हम्बल जी मैं कहता था कि नहीं इन्दीड ही इज मैं हमेशा कहता था उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी ह्यूमिलिटी है तो शकील साहब माशाल्लाह बहुत उम्दा आदमी है लेकिन हर बंदे के प्लसस भी होते हैं माइनसस भी होते हैं नहीं शकील साहब जितने अच्छे शान हैं उतने ही फुस फुस लतीफे सुनाते हैं वो उन्होंने पाड़ी लिया उन्होंने ये हो गई अच्छा लतीफा लतीफासी <laughs> <था। laughs> तो में थ्री जायंट्स जब इकट्ठे शो करते हैं तो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते किसी के बारे में बात पे निकल गए टॉपिक पर वापस नहीं आए तो, तो और इंटरेस्टिंग होती है तो इनता इंटरेस्टिंग होती है क्या अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा होता है

और उन्होंने बाजी का भी कहना बहुत अच्छी अच्छा आफत साहब आज आपकी आवाज नहीं निकली खामोशी से वही बात है कि एल एम एन ओ पी यू आर एस करो ना बात करो क्यों नहीं कर रहे हो क्या वजह आप ऑलरेडी बातें कर रहे हो और... तो तुम भी बोलो हम सुनते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ वाह 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 वा, दादनी देनी बात करनी इसीलिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसमें ना जाऊंगा मैं जाना जाऊंगा ओ भाई अल्लाह भाई मैं जाना जाऊंगा वी आज के एपिसोड अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का हैप्पी वॉचिंग ये हमारा पर्स है अब्तर साहब हम इन्हें अकेला तनहा नहीं छोड़ सकती ये हम इन करते रहेंगे सच बात सभी मिनट में बात कर रहा हूँ अब अब तब साहब चश्मे पलक ने देखा मैं इस पर एक बात कहूंगा कि नहीं तेरा नशीमन कसरी सुल्तानी गुंबद पर तू शाही ही बसर कर का <laughs>